करीब 3 महीने से श्रीलंका विरोध की आग में सुलग रहा है। रह रहकर श्रीलंका के लोगों का गुस्सा फूट रहा है। पिछली बार जब विरोध प्रदर्शन की आग में श्रीलंका जला था, तब गोटबाया के भाई और तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे का किला यूं ही ढहा था। लेकिन अप्रैल मई में हुए प्रदर्शन और महिंद्रा राजपक्षे के पद छोड़ने के बाद भी श्रीलंका में कुछ नहीं बदला। ना जनता की महंगाई से निजात मिली और ना भुखमरी पर लगाम लगी। देश में चरम पर पहुंच चुकी है बेरोजगारी, से राहत भी नहीं मिली। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका के लोग फिर सड़कों पर उतर आए। देश के मौजूदा हालात को लेकर राष्ट्रपति गोटबाया पर भड़के और हजारों की संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति के आवास पर ही घेराव कर लिया, उस पर धावा बोल दिया, हल्ला बोलकर राष्ट्रपति के आवास पर कब्जा कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, रोजमर्रा की चीजें भी आम लोगों की पहुंच से दूर हो गई। तो आज इसे ही समझेंगे। जानकारों की माने तो श्रीलंका में संकट कई सालों से पनप रहा था, जिसकी बड़ी वजह सरकार की नीतियां रही है। पिछले एक दशक के दौरान श्रीलंका सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए विदेशों से बड़ी रकम कर्ज के रूप में ले ली। बढ़ते कर्ज के अलावा कई दूसरी चीजों ने भी देश की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचाई। रासायनिक उर्वरकों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, जिसने किसानों को बर्बाद कर दिया जो खाद होते हैं उसके लिए। कोरोना ने भी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में आए संकट को कई गुना बढ़ा दिया। इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। कोविड के टाइम में जितनी मिसहैंडलिंग की, और स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर जो एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, उसमें राजपक्षा ने डिक्लेयर किया कि भाई अब से ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हो गई, तो उससे पूरी राइस कल्टीवेशन इनकी खराब हो गई, चाय की कल्टीवेशन खराब हो गई, तो जो एक्सपोर्ट का जरिया था इम्पोर्टेंट वो खत्म हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री वैसे बैठ गई थी, उसको नुकसान हुआ। तो अब ये सब रिवाइव करने के लिए सबसे पहला कदम उनको उठाना पड़ेगा कि जो सब्सिडी देते रहे थे, जो मुफ्त की चीजें बांटते रहे थे, वो खत्म काम करनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया ने राजपक्षे से ने करों की नाकाम कोशिश की, लेकिन ये कदम उल्टा पड़ गया और सरकार के राजस्व पर बुरा असर पड़ गया। उन्होंने कर्ज लिया लेकिन इसका असर उन पर उल्टा पड़ गया। श्रीलंका बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया अपना फॉरेन लोन जो था, जो देना था कुछ हफ्ते पहले, और ये पहली कंट्री है एशिया में जो इस सेंचुरी में डिफॉल्ट घोषित कर रही है, और ये पहला बार है जो श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया है। आपको बता दें कि श्रीलंका एशिया में पहला देश है जो बैंक करप्ट हो चुका है। श्रीलंका की जनता के लिए देश में गोटबाया राजपक्षे की जिम्मेदारी मानती है, और यही वजह है कि अब गोटबाया के विरोध में जनता सड़क पर उतर गई है। कुछ जानकार श्रीलंका के इस हाल के लिए चीन को जिम्मेदार बता रहे हैं, साथ ही चीन से प्रभावित देशों को भी सबक लेने की सलाह दे रहे हैं। इससे कुछ सबक सीखने चाहिए हमारे नेबर्स को, पाकिस्तान को, नेपाल को, बांग्लादेश को, म्यांमार को, और बाकी कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, जो चाइना से बहुत इम्प्रेस्ड है, उनकी लार्जेस्ट से इम्प्रेस्ड है, क्योंकि चाइना उनके साथ इसी माफिक दुर्दशा करेगा जो पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ। इससे उस देशों को भी सबक सीखना चाहिए जो चीन से बहुत प्रभावित हैं। 2012 में लगभग 9% की विकास दर से बढ़ रही श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अब इस कदर बर्बाद हो चुकी है कि उसके पास कर्ज का ब्याज तक चुकाने के पैसे नहीं है। श्रीलंका अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लगभग $3.5 अरब की बेल आउट राशि चाह रही है। एक्सपर्ट भी जानते हैं कि अब श्रीलंका को बचाने के लिए दूसरे देशों को आगे आना ही होगा, तभी श्रीलंका कहीं इस संकट से उभर सकता है। हालांकि भारत कहीं हद तक उसकी मदद भी कर रहा है, लेकिन भारत के अलावा बाकी देशों को भी मदद करना होगा जिससे श्रीलंका बाहर निकल सके। दूसरे देशों को भी सामने आना पड़ेगा श्रीलंका की सहायता करने के लिए। भारत ने तो अपनी तरफ से बहुत सहायता की है, लेकिन क्या अन्य देशों ने भी सहायता की है? क्या आसियान देशों ने की है? चीन ने क्या किया? क्या चीन ने तो बड़ी बड़ी बातें की हैं और कहा है कि वो श्रीलंका के लोगों के साथ है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या किया है? देखिए, श्रीलंका की बहुत सहायता कर सकता है चीन,
सबसे पहली बात तो जो कर्ज का वो ब्याज देना होता है उसको वो काफी डिले कर सकता है, और ताकि श्रीलंका में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पहले आए फिर वो कर्ज का ब्याज देने की बात करे। तो इस तरह से बहुत से सुझाव हैं, लेकिन इनकी शुरुआत तभी हो सकती है जब गोटाबाया राजपक्षा की तरफ से ऐलान हो कि वो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे। अब आपको साधारण एक सवाल का जवाब देते हैं कि सवाल यह है कि श्रीलंका बर्बाद कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका सिंपल से जवाब जानिए कि श्रीलंका एक खुशहाल देश हुआ करता था। लंका समुद्र से भरा उबरा पहाड़ है, जो इस पर धान्य फसलें कम होती है, चाय मसाले रबर और तमाम हार्टिकल्चर की फसल की भी उनकी इकोनॉमी है। शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति आय प्रति व्यक्ति जीडीपी में श्रीलंका के आंकड़े वैश्विक स्तर के थे। कुल मिलाकर दक्षिण एशिया का एक समृद्ध देश श्रीलंका हुआ करता था। अब वहां पे दिवालियां हैं। प्रभाकरण को मारकर राजपक्षे और उनका परिवार जनता का हृदय सम्राट बन गया, बहुमत पे बहुमत मिला, ताकतवर सरकारें बनी। ताकतवर सरकार यानी कि बाजार, व्यापार, बैंक, अर्थव्यवस्था, कानून, कोर्ट और मीडिया का पूरा कंट्रोल किया। आज श्रीलंका में राजपक्षे परिवार की डिक्टेटरशिप है और डिक्टेटर सब कुछ जानता है। डिक्टेटर को साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, बिजनेस, स्पोर्ट्स, स्पेन, राडार, सब कुछ यानी दुनिया के हर चीज के बारे में विशद जानकारी होती है। उन्हें बहुसंख्यक यह मानने लगता है कि डिक्टेटर भला आदमी होता है, उनकी नीयत में खोट नहीं होती। तो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने निर्णय लिया, देश को विश्व गुरु बनेगा, ऑर्गेनिक विश्व गुरु बनेगा। यहीं पर राजपक्षे मार खा गए। एकदम ऑर्गेनिक सीधे नहीं चला, ऑर्गेनिक की तरफ से तेज दौड़ पड़ा। अच्छे बुरे की समीक्षा किए बिना ही वाह वाह किया गया, जो एक दिन राजपक्षे महोदय ने घोषणा कर दी। और आज देश के फर्टिलाइजर बैन, कीटनाशक बैन, किसी भी तरह का केमिकल देश में उपयोग नहीं होगा, जो करेगा उसे सजा मिलेगी। देश रातों रात ऑर्गेनिक हो गया और राष्ट्रपति महोदय का विश्व में डंका बसने लगा। यूएन ने भी तारीफ की थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, इससे श्रीलंका की कृषि तबाह हो जाएगी। और यही हुआ, श्रीलंका की कृषि तबाह हो गई। श्रीलंका को भले ही 1948 में ही आजादी मिल गई थी, लेकिन पड़ोस के भारत और चीन जैसे देशों के मुकाबले वह ग्रोथ नहीं कर सका। इसकी एक वजह लंबे समय तक चला तमिल संघर्ष भी रहा। सिंगली बहुल श्रीलंका में 26 सालों तक सिविल वार चला, जो 2006 में समाप्त हुआ था। इस युद्ध में देश को बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन इससे मुफ्ती के बाद श्रीलंका को सरकार ने तेजी से ग्रोथ में प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित किया और शॉर्ट टर्म में इसका असर भी दिखा। मौजूदा हालात ये है कि श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट दोनों जारी हैं। जनता सड़कों पर उतरी है और इस बार लोगों का गुस्सा बहुत भारी संख्या में फूटा है। राष्ट्रपति के भवन तक को कब्जा कर लिया है और निजी आवास को भी फूंक दिया है, यानी कि एक फैसला पूरे श्रीलंका को बर्बाद कर दिया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।